हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज की वीडियो में हम आपको लोहे की कढ़ाई साफ़ करके बताएंगे कैसे साफ़ की जाए। देखिए कितनी जली हुई हमारी कढ़ाई है, इसको हम साफ करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन करके हम इसमें पानी डालेंगे आधा गिलास। गैस का फ्लेम फुल पर रखेंगे और इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे। अब इसको गर्म होने देंगे। ये हमने इसमें एक नींबू डाला है पूरा। देखिए फ्रेंड, हमारा पानी अच्छे से खौलने लगा है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, एक से डेढ़ चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। अब ये देखिए, नींबू जो है हम चिमटे की मदद से जहाँ जहाँ हमारी कढ़ाई गंदी है वहाँ वहाँ हम इसको रगड़ते जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डाल रहे हैं। अब हम इसको इसी चिमटे की मदद से नींबू पूरा रगड़ देंगे। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ हमारा नींबू लग रहा है वहाँ वहाँ साफ हुआ जा रहा है। कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा चिकनी है, हम इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी डाल रहे हैं। ये फ्रेंड्स, एक चम्मच के करीब हमने डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया। हम इसको धीरे धीरे रगड़ते जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये कढ़ाई हमारी बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारी कढ़ाई काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। अब हम ये पानी पूरा निकाल लेंगे क्योंकि अभी हमें पीछे का भी साफ करना है। चलिए अब हम ये पानी बहुत सावधानी से काम करना है क्योंकि ये कढ़ाई हमारी बहुत तेज़ जल रही है। अब इसी गरम कढ़ाई को चाकू की मदद से हम इसको रगड़ रगड़ के छुड़ाएंगे। ये देखिए कितना चिकना लगा हुआ है। ये देखिए काला काला सा निकल रहा है। कढ़ाई हमारी थोड़ा ठंडी हो गई, अब इसको फिर से हम गर्म करते। बहुत संभाल के देखो, फिर आसानी से छूटने लगा। गरम गरम साफ करेंगे तो बहुत बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। हमारी कढ़ाई का चिकना निकल रहा है। अंदर का हिस्सा जो है ये हम गरम करके ऐसे साफ कर लेंगे। ये
किनारे पे बहुत ज़्यादा गंदगी लग जाती कुंडे के पास। ये देखिए कितनी गंदगी लगी हुई है, ये सब आसानी से निकले जा रहे हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ का भी पूरा कुंडे के पास से गंदगी साफ कर लेंगे। रगड़ने से ना छूटे तो आप इसको गर्म कर दीजिए, गर्म करेंगे तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। हमारे पास जो ये बचा हुआ था निरमा वो मिलाया था हमने, नींबू का रस और वो सब गर्म किया था, ये हम इसकी पैंदी में डाल के इसको रगड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी हद तक हमारी कढ़ाई साफ हो गई है। अब आगे का हिस्से को भी हम जूने की मदद से अच्छे से रगड़ के साफ कर लेंगे। रगड़ देंगे अच्छे से और पानी से धुल देंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको पानी से धुल लेते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ाई कितनी साफ हो गई है अंदर से, बाहर से भी साफ हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा जली होने के कारण ये पूरी तरह से भी साफ नहीं हुई है। ये देखिए चिकना हमारा सारा उतर गया है, हमारी कढ़ाई चिकनी थी फिसल जाती थी। तो अगर आपकी कढ़ाई भी गंदी है तो आप इसी तरह से साफ कर सकती हैं।